हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की 2.2 पर्सनालिटी। इसमें पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित का पर बहुपद 5x-4x²(2, 3) के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले x=0 लिखना होगा और x की जगह 0 लिखना होगा। तब हम लिखेंगे 5x-4x²(+3)। तो हम x की जगह 0 लिखेंगे ना, तो 5×0-4×0²(+3)। तो हमें 5 को 0 से गुणा करने के बाद 0 आएगा और माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 0×0 होगा और 0 को 4 से गुणा करने पर 0 आएगा, तो 0+3 3 आ जाएगा, फिर इनका मान होगा 3। हम दूसरे सवाल पर आते हैं। इसमें है ना, x को -1 लिखना है, x की जगह -1 का मान लिखना है। तो देखिए, 5x- हमें पहले लिख लेना है, बाद में x की जगह -1 लिखना है दूसरे क्वेश्चन में, पहले के दूसरे में। तो हम 5×-1-4×-1²(+3), तो हम ये हो जाएगा इनको इंटू करने पर -5, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा, और ये एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद -4 आ जाएंगे और +3 आ जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस माइनस का बीच में चिन्ह आ गया ना, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद -9 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आ जाएंगे। हम पहले के तीसरे में आते हैं। इसमें ना एक्स का जगह 2 लिखना है, तो एक्स की जगह 2 लिखने हैं, तो हमें पहले ये 5x-4x²(+3) लिखना है, बाद में हमें एक्स की जगह 2 लिखना है, तो 5x-5(2-4)²(+3). तो हम करेंगे 5 को 2 से गुणा करने के बाद 10 आता है और ये माइनस आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना आता है आपको मालूम होगा, 4 आ जाएंगे, फिर 0 3। बाद में इन ये प्लस के चिन्ह ना प्लस है ना, ये 10 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 13 आ जाएगा, -16 -3 आ जाएगा।